ज्ञान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सती गुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर सती गुलोक उजागर। शिवपुरी का प्राचीन बांकड़े हनुमान मंदिर दूर दूर से मन्नत लेकर आते हैं लोग, क्यों बेहद खास है बांकड़े हनुमान मंदिर। देखिए रिपोर्ट। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जयंती होती है, जो कि इस बार मंगलवार 23 अप्रैल को मनाई जा रही है। ऐसे में अगर आप भी इस विशेष दिन पर बजरंग बली का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो करिए प्राचीन और प्रसिद्ध बांकड़े हनुमान मंदिर के दर्शन, जहाँ दूर दूर से मन्नत लेकर आते हैं लोग। मान्यता है कि राम भक्त हनुमान के दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती हैं, और कहते हैं कि बड़े से बड़ा काल भी राम भक्त हनुमान के दर्शन करने से टल जाता है। विशेष तैयारियों के बीच मंदिर पर उमड़ा भक्तों का सैलाब। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर शिवपुरी के प्राचीन बांकड़े हनुमान मंदिर पर बजरंगबली का आशीर्वाद पाने सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। मंदिर के महंत गिरीश महाराज ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिर में भव्य भजन संध्या भंडारे और निशुल्क औषधि वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। महंत जी ने बताया कि इस प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर पर आसपास ही नहीं बल्कि दूर दराज से लोग दर्शन करने आते हैं। मंदिर के महंत गिरीश महाराज ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार मंदिर की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई है। पौराणिक मान्यता और धर्म ग्रंथों के अनुसार गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित पुस्तक हनुमान अंक भी मध्य प्रदेश के प्राचीनतम हनुमान मंदिरों में एक बांकड़े हनुमान मंदिर बताया है। दक्षिण मुखी हनुमान जी होने से जिनकी जन्म कुंडली में राहु केतु और शनि की महादशा चल रही है या ग्रह बकरी होकर बैठे हैं, उनके लिए दक्षिण मुखी हनुमान जी के दर्शन करने से ही ये दोष अनिष्ट दूर हो जाता है। यातायात को लेकर प्रशासन की विशेष व्यवस्था, शिवपुरी झांसी लिंक रोड पर स्थित प्राचीन बांकड़े मंदिर पर हनुमान जन्म महोत्सव पर दर्शनार्थियों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यातायात को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। शिवपुरी झांसी रोड पर भारी वाहनों का प्रवेश रोककर मार्ग को वन वे किया गया है, जिससे दर्शनार्थियों को जाम की स्थिति का सामना न करना पड़े। बांकड़े सिद्ध क्षेत्र में अगर आप बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि लोग बाग यहाँ पर प्रसादी वितरण का भी कार्य कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा राजेश बिरमानी। राजेश जी, आप यहाँ पर कितने ये आज हनुमान जयंती का विशेष उत्सव है, बांकड़े पर आप प्रसाद वितरण कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है आप लोगों का? मेरा तो मैं बताऊँ, मैं तो हनुमान जी से काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ। बांकड़े बाबा की कृपा है, हर मंगलवार मेरा निश्चित है जाता हूँ और कुछ ना कुछ जितना मेरे पे बन पड़ता है मैं वो करता हूँ। आज तो फिर बहुत बड़ा महोत्सव है, हमारे हनुमान जी का जन्म दिवस है, इसीलिए हमारे विचार में आया कि हम सब मिलकर एक छोटा सा क्यों ना लोगों को ठंडक प्रसाद पहुँचे गर्मी के दिन। गर्मी के दिन है, इसलिए प्रसाद के रूप में रूह अफ़ज़ा पिलाया जाए। और व्यक्ति मौजूद है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर मिश्रा है। आप बांकड़े हनुमान क्षेत्र में आज आपको प्रसादी वितरण कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार लंबे समय से हनुमान उत्सव पर आप कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते हैं, आपकी टीम क्या लगता है आप क्यों करते हैं? जितनी सेवा भगवान के भक्तों की हो जाए उतना हमें अच्छा लगता है, बस यही उद्देश्य है भगवान की कृपा। सिद्ध क्षेत्र का कोई विशेष महत्व है? बहुत बहुत विशेष महत्व है भगवान का, आज का अवतरण दिवस है जन्म से। तो आपने देखा लोग बाग को सालों बीत गई, उनके जन्म से लेकर अभी तक वो लोग लगातार यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसी कारण इस सिद्ध क्षेत्र में हनुमान जयंती का एक विशेष उत्सव आज मनाया जा रहा है। कक्ष में हम बांकड़े हनुमान जी मंदिर पर मौजूद हैं, आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि भक्तों का तांता लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम शिवम राठौर है। कहाँ से आए आप? लोकवासा से। लोकवासा से आप बांकड़े हनुमान जी मंदिर पर विशेष दर्शन करने आए हैं, क्या कितनी आस्था केंद्र, कितने सालों से आप यहाँ आ रहे हैं? मैं तो यहाँ बहुत सालों से आ रहा हूँ, कम से कम 10-12 साल। क्या अच्छा लगता है यहाँ पे, बढ़िया दर्शन होते हैं, अच्छा सुकून सा मिलता है, बढ़िया इसलिए आते हैं। क्या आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं? हाँ होती हैं, बिल्कुल पूर्ण होती हैं। आपके परिवार से भी लोग आते हैं? आते हैं, सब लोग आते हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। यहाँ पर एक बालक है, क्या नाम बेटा आपका? वीरेंद्र। कहाँ से आए हो? शिवपुरी। कितने सालों से आ गए यहाँ पर? मैं दो तीन साल से। तो आपने देखा हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में लगातार लोग बाग यहाँ पर आते रहते हैं और एक बड़ी संख्या में भीड़। शिवपुरी से अगर बात करें तो यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था से लेकर एक विशेष आस्था का बड़ा केंद्र है बांकड़े हनुमान जी मंदिर। मैं जरा सक्सेना, शिवपुरी।
आस्था के बड़े केंद्र भांगड़े हनुमान जी मंदिर पर लोग बाग कई घंटों तक यहाँ पूजा अर्चना भी करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं विकास अग्रवाल, नमेंद्र डॉक्टर शिवपुरी। विकास जी, लगातार आज हनुमान जयंती का उपलक्ष्य है जी, और लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है इस भांगड़े हनुमान जी मंदिर पर। आप कितने सालों से आ रहे हैं? मेरे को ध्यान नहीं है मैं कितने सालों से आ रहा हूँ, 25-30 साल तो मान ही लीजिए। बचपन से, मतलब आप बचपन से आ रहे हैं। तो क्या आस्था का बड़ा केंद्र है, क्या यहाँ पर लोगों का आस्था है, क्यों लोग बाग यहाँ पर इतना आते हैं, क्या कारण है? लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, लोग 25-25 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं हर मंगलवार और शनिवार। आज तो एक विशेष दिन है, आज हनुमान जयंती है, आज लगभग कम से कम 1 लाख से ऊपर आदमी यहाँ दर्शन करेगा। तो ये थे विकास जी, इन्होंने बताया कि लगभग यहाँ पर एक बड़ा केंद्र है और यहाँ पर लाखों लोग आज के दिन दर्शन करेंगे। बांकड़े हनुमान जी मंदिर पर है और हनुमान जयंती का कार्यक्रम है। लगातार आप देखते हैं कि भक्तों की भीड़, आप मेरे सामने देख सकते हैं किस तरीके से भक्तों की भीड़ लगातार तांता लगा हुआ है भक्तों का। आज हम बात करेंगे यहाँ के महंत गिरीश महाराज जी से। गिरीश जी, लगातार यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, हनुमान जयंती को लेकर क्या विशेष तैयारियाँ की गई हैं? अतुलित बल धामम हेम शैलावते हम धनजन कृषानम ज्ञानी नामागण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम दीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। आज मंगलवार को श्री हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और मंगलवार के दिन श्री हनुमान जी का प्राकट्य हुआ है। एक बड़ा सुंदर भजन की ये पंक्ति है कि मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगल में हनुमान। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी का दर्शन करने से मंगल की प्राप्ति होती है और जीवन मंगल में होता है, इसी आशा को लेकर के भक्तजन श्री भांगड़े हनुमान सिद्ध क्षेत्र परिसर में आकर के श्री हनुमान जी महाराज के चरण शरण में आकर उनको प्रणाम। तैयारियां क्या है? भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया है, भंडारों का आयोजन चल रहा है और निःशुल्क औषधियाँ वितरण की जा रही हैं। इस तरह से धार्मिक आध्यात्मिक आयोजनों का यहाँ नित्य निरंतर संचालन हो रहा है। बड़ी प्राचीन मान्यता है कि बहुत प्राचीन मंदिर है और काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण मंदिर है, लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है ये। शिवपुरी के साथ साथ आसपास के कई जिलों से भी लोग यहाँ आते हैं, कई लोगों की बड़ी आस्था का केंद्र है। तो क्या कारण है, क्या प्राचीनता है इस मंदिर में? 934 ईस्वी की प्राण प्रतिष्ठा है मंदिर की। मंदिर के स्थापत्य और मूर्तियों के आधार पर इस आर्कियोलॉजिकल वालों ने मंदिर का निर्धारण काल 934 बतलाया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एवं धर्म ग्रंथों के अनुसार गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित पुस्तक हनुमान अंक में 50 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के प्राचीनतम हनुमान मंदिरों में श्री भांगड़े हनुमान मंदिर का उल्लेख किया गया है। दक्षिण मुखी हनुमान जी होने के कारण जिनकी जन्म कुंडली में राहु केतु और शनि की यदि महादशा चल रही है या ग्रह बकरी होकर के बैठे हैं तो श्री हनुमान जी का दर्शन करने से उनका वो दोष अनिष्ट दूर हो जाता है, इसलिए हनुमान जी का दर्शन मंगलमय माना गया है। तो आपने देखा किस तरीके से हनुमान जयंती के विशेष कार्यक्रमों के साथ बांकड़े हनुमान जी मंदिर पर विशेष दर्शनों की व्यवस्था की गई है, भजन संध्या की विशाल श्रृंखला का आयोजन किया गया है एवं लगातार भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। मैं अजय राज सक्सेना, फास्ट समाचार, शिवपुरी।